Hello everyone, this is me Pooja and you are with MotherWorld, the world where is your all access solution. आज हम बात करने वाले हैं Dmax और Dmin के बारे में. तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसका definition. Dmax मतलब maximum और Dmin मतलब minimum. अब D क्या donate करता है? The returns largest number in the field या फिर columns of records in the database that match conditions you specify. अब आपको English इतनी अच्छी नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं. हमारे सामने जो डेटा सेट है वो MotherWorld के प्रोडक्ट्स के नेम है. कर्ड, बटर, क्रीम एंड, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कर्ड, क्रीम, बटर और एक इन्हीं प्रोडक्ट्स का जो सैंपल सेल्स दिया है. कभी इस सेल्स में ज़्यादा आए हैं तो कभी कम आए हैं. पर मुझे ये डेटा सेट देखने से बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि कर्ड का मैक्सिमम क्या रहा है और कर्ड का मिनिमम क्या रहा है. और मुझे यहाँ पर पता लगा कर रिपोर्ट में ये बताना है कि बटर का मैक्सिमम क्या रहा और मिनिमम वैल्यू क्या रहा. तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा सैम्पल सेल्स मैक्स रहा और मीन रहा. तो इसी के लिए हम आज यूज़ करेंगे मैक्स और डी मीन. आप इक्वल्स टू लगाइए और फिर उसके बाद आपको पहले अपने डी मैक्स यहाँ पर लिखना पड़ेगा. और जैसे ही आप ये लिखेंगे उसका सेंटेक्स आपको बता रहा है डेटाबेस पहले आप सेलेक्ट करें. तो मेरा जो डेटाबेस है वो यहाँ तक है. आपका जैसा भी सैम्पल डेटा सेट हो उस पूरे ही डेटा सेट को आप सेलेक्ट कर लीजिए. कॉमा लेने के बाद ये आपको पूछ रहा है फील्ड. तो मेरा जो फील्ड है वो सैम्पल सेल्स का है. अब इसके बाद आपको कॉमा प्रेस करना है और यहाँ पे क्राइटेरिया तो प्रोडक्ट नेम दैट इज बटर. इतना बस इतना ही आपको काम करना है. इसके बाद आपको यहाँ पर क्लोज द ब्रैकेट और क्लोज द पैरेंथेसिस और सिंपली एंटर कर दीजिए. तो बटर का जो मैक्स है 499 है. अब मुझे सिंपली इसका मीन भी पता लगाना है. इक्वल्स टू MIN जस्ट अ सेकेंड डी और फिर हम मीन लिखेंगे. आ चुका है और टैप की प्रेस करने के बाद डेटाबेस सेम फॉर्मूला है दोनों के. आपको सबसे पहले इसका डेटाबेस सेलेक्ट करना है. ध्यान से सेलेक्ट करिए, आपको सिर्फ डेटाबेस ही उसका सेलेक्ट करना है. इसके बाद आपको फील्ड सेलेक्ट करना है. तो मेरा जो फील्ड है वो है सैम्पल सेल. आपको जो भी जानना हो आप उसी को सेलेक्ट करिए. कॉमा प्रेस करिए और आपकी क्राइटेरिया जो है प्रोडक्ट नेम यहाँ पर आ रहा है बटर. अब सिंपली इसे क्लोज द ब्रैकेट और क्लोज द पैरेंथेसिस और एंटर कर दीजिए. तो बटर का जो मीन है वो है 317. अब ये तो सिर्फ बटर के लिए हुआ. अगर मेरे बॉस को गुस्सा है और उसने बोला मुझे कर्ड का भी बताओ तो आपको कुछ भी नहीं करना. आपको सिंपली यहाँ पर बैक स्पेस करना है और यहाँ पर लिख देना है CURD और आपके सामने ही माई गॉड मैजिक है. ये आपके सारे फॉर्मूला पे अप्लाई करेगा. जितना भी डेटा सेट में जितना भी नाम रहेगा, जितनी भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसमें रहेंगे, ये सिंपली उन्हीं चीज़ों को आपके सामने अप्लाई करेगा. आपको कोई दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विथ MotherWorld.